ये सन्नाटा कोरोना के खिलाफ जंग की पहली शर्त भी है और जरूरत भी, लेकिन इस सूरत का अपना अर्थशास्त्र है जो सीधे सीधे लोगों के पेट से होकर जाता है। इसे समझने से पहले इसकी कुछ बुनियादों को समझिए। जो रोज कमाते और खाते हैं उनकी तादाद करोड़ों में है, तो कारखानों के कामगार घर बैठे हुए हैं, दिहाड़ी मजदूरों को घर बैठना पड़ा है, आपके मोहल्ले में आने वाले फेरी वाले, अलग अलग स्टोर्स में काम करने वाले, दफ्तरों में काम करने वाले क्लीनर, फुटपाथों पर कारोबार करने वाले, ढाबों में काम करने वाले कारीगर, राजमिस्त्री, बढ़ई, धोबी, लुहार, बुनकर, रफूगर, दर्जी, रंगसाज। हमारी आपकी दुनिया को बुनने वाली ये वो दुनिया है जिसकी अपनी दुनिया एक दिन की कमाई रुक जाने से भी रुक जाती है। इसे असंगठित क्षेत्र कहते हैं। अंदेशा यह है कि कोरोना के खिलाफ जंग का यह सन्नाटा इस दुनिया को भूख से मरने के लिए न छोड़ दे। गरीब आदमी कमाएंगे नहीं तो खाएंगे क्या है, यही इसी के भरोसा जीते हैं, क्या करेंगे। हाँ, तो आज तो लगता है कुछ बिक्री हुई नहीं है। ये 10 रुपया का भेजे हैं बाबू, सिर्फ 10 रुपया कमाए। ये देखो 10 रुपये खुंजी में रखे हैं, ये देखो। तो बाकी दिन में कितना कमाते हो? अब कौन जानता है, मालिक की मर्जी है, 10 रुपये बेचे ही है रखे। वैसे कब बाकी दिनों में कितना कमा लेते हैं? कमा लेते 100-200 रुपये। असंगठित क्षेत्र में काम करने वालों की संख्या सुन लेंगे तो आप सोच में पड़ जाएंगे। 25 जुलाई 2016 को भारत सरकार ने खुद देश को बताया था कि भारत में काम करने वाले लोगों की कुल संख्या है 47 करोड़ 41 लाख। इसमें से केवल 17.3% लोग संगठित क्षेत्र में काम करते हैं, मतलब केवल 8 करोड़ 27 लाख लोग। बाकी के 82.7% लोग असंगठित क्षेत्र का हिस्सा है और यह संख्या बनती है 39 करोड़ 14 लाख। ये वो लोग हैं जिनकी दुनिया कोरोना के खिलाफ जंग में रुक गई। इधर प्रॉब्लम हो रहा है इसलिए वापस जा रहे हैं। कोरोना घर बंद, काम बंद कर देता है अभी पूरे साइड में। काम साइड वाला जो है ना, वो बोल रहा है काम बंद कर रहे हैं, आप लोग का सेफ्टी फर्स्ट है, तो आप लोग गांव चला जाइए, इसी वजह से हम लोग गांव चला जा रहे हैं। यहाँ 2-3 साल से काम करते हैं, लेकिन एक्चुअली में कोरोना वायरस आने के कारण घर जाना पड़ता है। भारत की अर्थव्यवस्था में असंगठित क्षेत्र का हिस्सा 50% से भी ज्यादा है, मतलब इस देश को नौकरी करने वालों से ज्यादा वो लोग संभाल कर रखते हैं, ना तो जिनके नाम की कोई गिनती है और ना ही जिनके काम की। और सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये है कि इस विशाल दुनिया को उजड़ने से बचाने के लिए तत्काल कदम उठाए जाए। आपके राष्ट्र के नाम संबोधन में प्रधानमंत्री ने एक अपील की थी और वो अपील बहुत वाजिब थी। मेरा देश के व्यापारी जगत, उच्च आय वर्ग से भी आग्रह है कि अगर संभव है तो आप जिन जिन लोगों से सेवाएं लेते हैं उनके आर्थिक हितों का ध्यान रखें। हो सकता है आने वाले कुछ दिनों में ये लोग दफ्तर ना आ पाए, आपके घर ना आ पाए, ऐसे में उनका वेतन न काटे। इस अपील का असर न के बराबर हुआ है। कारखानों में उत्पादन ठप होते ही मालिकों ने मजदूरों के प्रति अपनी जिम्मेदारियों से हाथ खड़े कर दिए, लेकिन यह भी मुकम्मल बात नहीं है। इससे आगे की बात यह है कि 40 करोड़ लोगों में से 12 करोड़ लोग ऐसे हैं जो अपना छोटा मोटा काम करते हैं। कोरोना से हुए लॉकडाउन ने उनके सामने भुखमरी की स्थिति पैदा कर दी। अचानक बिना बताए फ्री कर दिया, बोले 15 तारीख को आके आपकी पूरी सैलरी ले जाना, और 15 को आए तो फिर बोल रहे 3 दिन बाद तुम्हें बताएंगे, अभी तक बताया नहीं है, होटल में ताला लग रहा है बैठे, और मेरा 10-11 लोग का स्टाफ का 1.25 लाख रुपए बाकी है। दुनिया भर की सरकारों ने कोरोना से मची आर्थिक तबाही में अपने नागरिकों की तरफ मदद का हाथ बढ़ाया है, आर्थिक मदद दी है, जरूरी चीजों की बिना शर्त आपूर्ति का इंतजाम किया है, लेकिन अभी तक भारत सरकार ने ऐसा कोई कदम नहीं उठाया। भारत सरकार ने अभी तक इस मुसीबत से लड़ने की सारी जिम्मेदारी खुद जनता, कंपनियों, कॉरपोरेट और मालिकों पर डाल रखी है, और इसमें असंगठित क्षेत्र के 40 करोड़ लोगों का कहीं कोई जिक्र नहीं। अभी तो केवल 2 दिन हुए, अगर ये 31 मार्च तक भी जारी रहा और सरकार ने तुरंत प्रभावी उपाय नहीं किए तो इस देश के 12 करोड़ लोगों के सामने कोरोना से बड़ा संकट रोटी होगी।